असल में जी जो आरजी दौलत है ना, हम भाग रहे हैं उसके, पागलों की तरह थक गए हैं उसके पीछे भाग। और जो असल दौलत है कोई तवज्जो। ख्वाजा बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला, हजरत का इंतकाल हो गया। क्या खूबसूरत जिंदगी गुजारी जी उन लोगों ने। हजरत का इंतकाल हो गया, किसी मुरीद को ख्वाब में हजरत की ज्यारत हुई। देखता क्या है कि हजरत जिस्म पे जनाब जन्नती पोशाक है, जन्नती खादिम है, हाँ जी जन्नती तख्त है जिस पे हजरत बैठे हैं, सामने जन्नती खाने पड़े हुए हैं। मुरीद हजरत से पूछता है, हजरत कैसा लगा ये जो अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया, जन्नती तख्त है, जन्नती खाने हैं, जन्नती खुदाम है, कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं? आपने फरमाया कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसने अर्ज की, हजरत कैसी बातें कर रहे हैं, जिसम पे जिसम जन्नती जोड़ा है, सामने जन्नती खाने हैं, जन्नती तख्त पे बैठे हैं, जन्नती खुदाम आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, और आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लुत्फ आ रहा, नहीं मजा आ रहा, कैसी बात कर रहे हैं? आपने फरमाया इसमें वो लुत्फ नहीं है जो लुत्फ सुबह के वक्त नींद छोड़ के, बिस्तर छोड़ के, ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह के हुजूर खड़ा होने में मजा आता था, वो मजा इधर नहीं है। उन्हें तो हजरत जन्नत की नेमतों को कुछ नहीं जाना, अल्लाह के हुजूर खड़ा होने के सामने। हम इसके पीछे पागल हो गए हैं और इसका टाइम ही नहीं, हमने ये मजा चखा ही नहीं है। कहा वो मजा जो नींद छोड़ के, जो वो गर्म बिस्तर छोड़ के, वो खूबसूरत बीवी छोड़ के, वो ठंडे पानी से वुजू करके जो अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पे खड़ा होता था ना, जो लुत्फ उसमें था, इस जन्नती तख्त में भी वो लुत्फ नहीं आया। और हम हर रात हजरत इस लुत्फ से महरूम रहते हैं, हम हर रात इस लुत्फ से, रात पवे ते बेदर्दानु नींद प्यारी आवे दर्द मंदानु याद सजन दी फिर सुतियां आण जगावे है। हम इनके पीछे पागल हो गए लेकिन वक्त गुजर जाए, अगर तू उठा फिर भी गुजर जाएगा, नहीं उठा फिर भी, लेकिन अगर तू नहीं ना उठा तो कुरान कह रहा फिर उस दिन तू ये जरूर कहेगा, यकूलु या लैतनी कदम तुली हयाती, और काश मैं उठा होता, काश मैं उठा होता। कुरान कह रहा है उस दिन बंदा फिर कहेगा, यकूलु या लैतनी कदम तुली हयाती, काश मैं उठा होता, मैंने मेहनत की, क्यों मैंने नींद से प्यार किया, क्यों मैंने बिस्तर से इतना जी लगा लिया, मैं क्यों नहीं उठा। हजरत कुरान कह रहा फिर बंदा कहेगा जरूर उस दिन, यकूल या लैतनी कदम तुली हयाती, बंदा उस दिन कहेगा जरूर। हजरत जी उन सजदों का तो हजरत क्या कहना, हमारे नामा अमाल में तो अल्लाह हमें बस माफ कर दे, फजर भी कोई नहीं है, उसका तो क्या कहना। और हमें से हजरत जी बड़े नमाजी, सिर्फ चार वक्त की नमाज, पांच वक्त वाले नमाजी भी थोड़े हैं, ज्यादा चार वक्त के, पांच वाले थोड़े हैं और थोड़े हो गए, ये पांच वक्त सिर्फ हमारे बाबों के खातों में रह गई है, बाकी जवानों के खातों में पांच वक्त कोई नहीं है, इनके खातों में चार वक्त है। फजर वक्त नहीं उठते, फिर रोते हैं जी, देखो हम पे किसी ने जादू तो नहीं कर दिया, जरा फजर वेले ना उठे इधर तो किसी ने जादू करने की लोड़, उन्हें अपने आप ही जादू किया है, उसे किसी जादू की जरूरत है, उसने अपने पे खुद ही जादू, उससे बड़ी नहुसत क्या है कि फजर के वक्त आपके घर में उठे कोई नहीं। मुर्गा उठ पड़ा, तू मुर्गे से भी बुरा है, तू मुर्गे से भी बुरा है, वो भी उठा हुआ है और वो भी अपनी जुबान में अपने अल्लाह को पुकार रहे हैं, तू उससे भी बुरा है। अल्लाह हजरत लुकमान रहमतुल्लाह ताला ने अपने बेटे को नसीहत की थी, फरमाया ध्यान रखी हो कि कुकड़ तेरे को जीत ना जाए, वो कुकड़े तू अशरफ अल मखलूकात, ध्यान रखना कभी मुर्गा तुझसे जीत ना जाए, जब भी मुर्गा सुबह उठ के अल्लाह की तस्बीह बोले तो उसको बताना मैं तुझसे पहले उठाऊं, कितने हूं तो बेचारा बोल बोल के थक जाता है, फजर वेले उठते, अल्लाह में माफ कर दे।
अल्लाह माफ कर दे। वो हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना, आप वो फजर की नमाज पढ़ के फारिग होके तो बाहर निकल रहे थे, एक नौजवान आया तो हजरत को बाहर आता देख के वो समझ गया कि जाहिर जमात हो चुकी। उसने कहा कि अच्छी नहीं हुई, मेरी फजर की जमात छूट गई, पढ़ लेनी थी उसने, लेकिन क्या है, इमाम हसन बसरी ने उसको देखा, आके फरमाने लगे क्या हुआ, क्यों आहें भर रहे। उसने कहा हजरत आह ना भरूं, इतना बड़ा नुकसान हो गया, फजर की जमात रहे, मैं क्यों, आ तो तू गया है, तू पढ़ ले। उसने कहा हजरत तब एक का ही सवाब मिलेगा, जमात से पढ़ता तो 27 गुना मिलना था। फरमाया फिर मुझसे सौदा कर ले। उसने कहा इमाम साहब क्या, फरमाया आह मुझे दे दे मेरी 27 तू ले ले, हैं आ मुझे दे 27 तू ले ले। वो खुश हो गए, उसने कहा हजरत मंजूर सौदा, आ आपके नाम है अमाल में, आप भी कह दें कि 27 तेरे नाम है, फरमाया 27 तेरे नाम है। उसने वो फजर पड़ी, जब रात को सोया ना तो ख्वाब में क्या सुनता है कि कोई कहने वाला कह रहा, ये तूने क्या कर दिया, अपनी आह बेच दी, तेरी उस आह के इव्स जो सिर्फ फजर की जमात छूट जाने की वजह से तेरे दिल से निकली थी, अल्लाह ने तुझे 200 रकअतों का सवाब अता फरमाया था, ये क्या कर दिया तेरे। वो जनाब अब रात का वक्त था जी, वो कुछ नहीं सकता था। उसने कहा हूँ सुबह गल लो। सुबह जब वो पहुंचा, नमाज पढ़ दी, इमाम साहब की बारगाह में हाजिर, अर्ज कर दिया हजरत सौदा कैंसल, साड़ी आ वापस करो तो अपनी अस्थाई ले लो। फिर मैं ख्वाब सिर्फ तू ही नहीं वेख्या, मैं भी वेख्या रहती हैं, वो ख्वाब सिर्फ तू ने नहीं देखा, मैंने भी देखा, लेकिन इतने तेरे जी अल्लाह माफ करे, जमात छोड़ो, फजर छूट जाए थे आह कोई, फजर छूट जाए थे जमात की आह तो गई है, फजर छूट जाए तो को किसी को टेंशन नहीं, जमात रह जाए किसी को कोई परवाह नहीं, अल्लाह होना चाहिए कि हजरत जैसे ही वो क्या कहते हैं कि एक बज गया तैयारी शुरू कर दी, ख़त्म फिनिश, जोर की जमात, जैसे 3:30 हो गए हजरत जी तैयारी शुरू कर दी असर की जमात, जैसे हजरत मगरिब का वक्त करीब आ गया हजरत तैयार नहीं है, वक्त गुजर जाए, करेंगे फिर भी, नहीं करेंगे तो फिर गुजर तो रुके।